एक बार एक अमीर आदमी ने एक महिला को हाथी का बच्चा दिया। महिला ने उस हाथी के बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल की और बहुत जल्द ही वह उससे बहुत प्यार करने लगी। गांव के बच्चे अम्मा को दादी कहकर बुलाते थे और हाथी के बच्चे को सब दादी का कालू कहकर बुलाते थे। कालू सभी बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव में घूमता। सभी बच्चे उसे कलाकंद खिलाते और वह बच्चों के साथ खूब खेलता। प्यारे कालू मुझे झूला झुलाओ ना, कालू से बच्चे यह बात लगभग हर दिन ही कहा करते। चलो ये बताओ आज कौन आएगा, कालू ने यह कहकर बच्चों को सूंड में उठा लिया और हवा में झुला दिया और फिर उसने बड़े ही ध्यान से उन सबको नीचे रख दिया। लेकिन कालू कोई भी काम नहीं करता था, वह सिर्फ खाता था, सोता था और बच्चों के साथ खेलता था और कभी कभार दादी के साथ यहाँ वहां घूम आता था। एक दिन कालू दादी से यह चाहता था कि दादी उसके साथ जंगल में जाएं। मैं नहीं जा सकती कालू, मेरे बच्चे आज मुझे बहुत काम है। फिर कालू ने दादी को बड़े ध्यान से देखा। दादी दिन ब दिन बूढ़ी और कमजोर हो रही थी। उसने सोचा कि वह तो बहुत ताकतवर है और उसमें तो बहुत जान है। मैं देखता हूं मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अगर मैं कुछ पैसे दादी के लिए ला पाया तो वे बहुत खुश होंगी और फिर उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जल्दी सुबह जब सूरज एकदम चमकीला हो रहा था, तब कालू नदी की तरफ जाने लगा। वहां पर उसने एक आदमी को देखा जो बड़ी मुसीबत में था। बैलगाड़ी के चक्कों पर बहुत ज्यादा वजन था, इतना कि बैलगाड़ी हिल तक नहीं पा रही थी। पानी बहुत ही उथला और कम था, लेकिन बावजूद इसके नदी पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब आदमी ने कालू को नदी के किनारे देखा तो उसने उससे पूछा कि तुम किसके हाथी हो, तुम्हारा मालिक कौन है, क्या तुम मेरी मदद करोगे बैलगाड़ी को उस पार ले जाने में। एक बच्चा जो कि कालू के पास खड़ा था उसने ये बताया कि यह दादी का कालू है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, आदमी ने कहा, मैं तुम्हें सोने की दो मोहरे दूंगा अगर तुमने मेरी मदद की इस गाड़ी को उस पार ले जाने में। हर एक चक्के के एक मोहर, बात पक्की। कालू इस वादे से बेहद खुश था। वह नदी में उतरा और उसने एक के बाद एक चक्के को अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी के उस पार कर दिया। कालू काम होने के बाद पैसों के लिए आदमी के पास गया। आदमी ने दोनों चक्कों के लिए एक सिक्का निकाला और उसे देने लगा। जब कालू ने देखा कि आदमी सिर्फ एक सिक्का दे रहा है दो के बजाय, तो उसने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। वह रास्ते में खड़ा हो गया एकदम डट कर और उसने बैलगाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। आदमी ने कालू से बचकर निकलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। तब आखिरकार आदमी ने एक और सोने का सिक्का निकाला और दोनों चक्कों के लिए एक एक सोने का सिक्का यानी कि पूरे दो सिक्के एक थैली में बांधे और कालू के गले में वह थैली बांधी। कालू बड़ी ही खुशी के साथ घर की ओर चल पड़ा। वह बहुत ही खुश था। उसके पास दादी के पास ले जाने के लिए अब उपहार जो था। बच्चे दादी से पूछ रहे थे कि कालू कहाँ है दादी। दादी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका प्यारा कालू कहाँ गया। वे लोग उसे सुबह से ढूंढ रहे थे और अब तो रात होने वाली थी। तभी उन्होंने सुना कि कालू आ रहा है। तुम कहाँ थे कालू, बच्चों ने रोते रोते पूछकर उसे गले लगा लिया। लेकिन कालू ने किसी की बात नहीं सुनी और वह सीधा भागते हुए दादी के पास आ गया। ओ मेरे प्यारे कालू, तुम कहाँ चले गए थे और इस झोले में क्या है। फिर दादी ने झोला उतार लिया। कालू ने दादी को बताया कि किस तरह उसने इन पैसों को कमाया है। ओ मेरे प्यारे कालू, तुमने इन सिक्कों के लिए कितनी मेहनत की होगी,
तब जाकर तुम इन सिक्कों को कमा पाए हो। तुम कितने प्यारे हो मेरे प्यारे कालू। उसके बाद से कालू सभी तरह के मेहनती काम करता और पैसे कमा कर लाता। दादी अब घर पर आराम करती। अब वह दोनों खुशी के साथ रहने लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।